सर कजन ने मेरी शादी करवा दी। हाँ भी बना दिया भाई, ये दूल्हा आप लोग चेक कर सकते हैं, जवानी आ गई बेचारे को, शादी कर ली भाई ने। अभी कजन मुझे लेके जा रहा है, बस पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, बस जाना है इसके साथ, जहाँ भी लेके चलता है। चले भाई, दाढ़ी आपकी बड़ी हो गई है। कहाँ गए थे आप? अमान के पास में अभी बैठा हूँ, तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, बस काम शुरू है। ये कंघी किस लिए यहाँ पे चिपकाते हैं सैलून वाले? हाँ ये तो बताओ, यहाँ स्टाइल है। हमारा काम शुरू है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, 30 मिनट हो गए हमें, बाल अच्छी तरीके से बनवा रहे हैं। आप लोग चेक करें, यहाँ दाएं बाएं हेयर वगैरह मेरे रिमूव हो चुके हैं। अभी आप लोग चेक करें मेरे लुक कैसा लग रहा हूँ, पहले ठीक था या अभी ठीक हुआ? बिल्कुल छोटे हो चुके हैं, पहले लंबे लंबे, बड़े बड़े, यहाँ से बस वो जो धाड़ेल होते हैं ना कच्चे में डाकू, उनकी तरह मेरे बाल आ गए थे, बहुत लंबे लंबे। अभी सेटिंग करवाई है, अब स्टूडेंट लग रहा हूँ मैं, आप लोग चेक करें, अब शेर लग रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा हो गया। फेशियल करवा रहा है ये बच्चा, अबू के पैसे यही बर्बाद करता रहता है। नहीं के पास में अभी तक यहाँ पे हूँ क्योंकि बेचारे की सफाई चल रही है, आप लोग चेक करें, धागा लगा रहा है यार। इसको पन्नी अकेल में कोई मुँह भी नहीं लगाता और हम इसकी यहाँ पे सफाई कर रहे थे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप लोग चेक करें। अब गोरा लगने लगा है अंग्रेज़ों की तरह, इसकी बस अब हवा निकलने वाली है, आप लोग चेक करें मुँह इसका। अरे पॉलिश करवा लो, पैसे मैं देता हूँ, टेंशन ना लो, क्योंकि मेरी सैलरी आने वाली है कल। भैया इसके यहाँ मुझा पे आए हैं हम, मेली मेली हो चुकी है 125 बेचारे की। अब इस पर मैं आया हूँ क्योंकि अपनी गाड़ी घर पे मैंने छोड़ दी है भाई, बचत करनी है पेट्रोल की, कज़न की गाड़ी भी मैं आया हूँ। यहाँ पे आए थे जूस पीने के लिए, भाई को बहुत गर्मी लग रही है, अडियो जो फाइन देती है घर दे तो गिलास में कोने पी लो, प्यालन में पानी पी लो। इस शॉप से मैंने काफ़ी टाइम पहले बीज लिया था ज्वार का, तो मेरी रीस पे मेरा कज़न भी ले रहा है तकरीबन 1 गट्टू। भाई ये जो मैं चीज़ लेता हूँ बस ये भी वही लेता है, बस ये लेकर हम चलते हैं घर, क्योंकि आज शादी थी ना, बहुत थक चुके हैं, मैं तो बहुत अच्छा थक चुका हूँ, चलता हूँ यार घर। भाई 1 साल का हमने राशन ले लिया, पीछे आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी चीनी भी लेनी है, और ये सब्ज़ी ले रहे हैं हम तकरीबन दो चाहता हूँ स्टैंडर्ड साहब भी अंडे पो भरे बटो। हमने 1 साल की है सब्ज़ी ली है, और पीछे जो राशन पड़ा है ना ये भी 1 साल का है भाई, अब 1 साल इसको चलाना है, सही है, एक दिन का नहीं 1 मंथ का है भाई। अब लोगों को मैंने बताया था तकरीबन 30,000 का हमें राशन लेना है, तो अब हम ले रहे हैं यहाँ से चीनी वगैरह, ऑयल, कुकिंग ऑयल, सारा कुछ, मिर्ची, नमक वगैरह सब कुछ यहाँ से ले रहे हैं। और सामने मेरी 125 खड़ी है, आप लोग चेक करें, उससे सामान लोड हुआ पड़ा है भाई। यहाँ से फारिग होकर यार शोर बहुत है यहाँ पर, क्योंकि ट्यूनिंग हो रही है ना, तो साइड में यहाँ पर बहुत शोर है। मैं अक्सर जो तन्हाई वाली जगह है ना वहाँ पे जाकर आप लोगों के साथ गुफ्तगू करता हूँ। 1 मंथ का मैंने राशन लिया, आप लोग चेक करें, बहुत भाई सामान ही सामान है, माली वाले। अच्छा ये पीछे, अच्छा ये आगे आप लोगों ने नहीं देखा, ये चेक करें भाई, ये सेफ गार्ड में बहुत अलग भी सामान पड़ा है और नीचे से भी अलग सामान पड़ा है। ये पारी पेट्रोल डलवाना बाकी है, लोग चेक कर सकते हैं, ये राशन हमने लिया तकरीबन 1 महीने का है। कज़न की मैं बाइक लेके आया था, तो ये हमें, हम रास्ते में आ रहे थे अड्डे पे, रश में फंस चुके थे, तो समोसे भाई ने ज़बरदस्ती उसने दिए। आप नहीं खाओगे? वो क्यों, क्या है इसमें ऐसा? डॉक्टर ने मना किया है। क्यों? नुकसान कर रहे हैं। फिर इसने इसको खोला क्यों? अरे गिर गया। दूसरा गिलास आप लेके आए, पैसे नहीं लेंगे इसके? नहीं नहीं, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी साहब, इतनी इज्जत घर में तो नहीं होती, यहाँ बाहर होती है, फ्री में भाई जूस। कज़न ने मेरी शादी करवा दी, टोपी भी, और ये इसको क्या बोलते हैं, कंडी, हार 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 भी पहना दिया, तो ये खड़ा है बेचारा, ये इसके हाथ में। भाई ये मुझे क्यों पहना, ये तो घोट को पहनानी थी ना, वो सामने खड़ा है, तो सबसे पहले ये इसने मुझे पहना दी, और जो हमारे पास ये सिंधी टोपी है ना ये भी दूसरों की है, ये पकड़ो अपनी।